बार पांडे जी, मैं उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बड़े कमाल के कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे आते, दो शेर वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो ये जो मोहब्बत है ये बहुत कमाल की है। लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो मैं अंजुम जी का चेहरा देख रहा था, अंजुम जी गुस्से में थी, मैं जानता था वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही आए और बताएं कुछ ऐसा पांडे जी को कि सारी दुनिया सुने। अंजुम रायबर जी, चार पंक्तियां सुनाती हूँ जी। स्वागत है अंजुम। यहाँ नेहा है और मैं हूँ जी। कुछ श्रोताओं में कुछ बेटियां लड़कियां नजर आती हैं, तो मैं सुनाती हूँ शेर। नेहा जी इस तरफ करना, शैलेश की तरफ ऐसे। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो। क्या बात है। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पता नहीं औरत को इतना आसान क्यों समझा जाता है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर, हमारे मुल्क में जहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती हैं। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। वाह वाह, मैं बहुत सीरियस हो गई। लड़कियां ही भोली नहीं होती जी, लड़कों के भोलेपन का भी जवाब नहीं है, तो आप बताएं। अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी, उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी, कुछ प्रेमिका ने खा लिया कुछ बीबी खा गई, कुछ प्रेमिका ने खा लिया कुछ बीबी खा गई, भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। बहुत अच्छे। वैसे विष्णु जी को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं रोना दें। वैसे तो प्रेमिका को पत्नी भी बनाया जा सकता है। अर्ज करती हूँ, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए, क्या बात है। सोचती हूँ प्यार करना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए, क्या बात है। और अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा जी, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया। दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। वाह 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 वाह। और बतौर तोहफा ये शेर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, प्यार का इकरार दिल में हो, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। अब वो वैलेंटाइन डे के लिए जो खास तौर से गजल मैंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि शेर आपको, आप तक मेरे शेर पहुँच जाए। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत कर, दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना, कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है, जरूरी होता है, कारोबार में दिल के
تجربہ ضروری ہے زندگی کا یہ سودا تم ادھار مت کرنا اب شیر سنو چھٹیاں بتانے کو شہر سے یہ آتے ہیں کیا بات ہے چھٹیاں بتانے کو شہر سے یہ آتے ہیں موسمی پرندوں کا اعتبار مت کرنا کیا بات ہے اعتبار مت کرنا ابھی دلی میں بہت کچھ ہوا جی انجم کا یہ شعر ارشاد ان حسین رنگوں میں ہے وفا کی تصویریں ان حسین رنگوں میں ہے وفا کی تصویریں تتلیوں کے دامن کو داغدار مت کرنا کیا بات ہے داغدار مت اور ایک بہت اچھا شعر سواگت ہے پتہ نہیں میرے ذہن نے مجھے دستک دی میرے دل نے اگر کاش ہر پریوار میں ایسا ہو جائے تو وہاں پریمیکا کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی ہے اچھا تو مجھے منا لینا میں تجھے منا لوں گی کیا بات ہے تو مجھے منا لینا میں تجھے منا لوں گی پیار کی لڑائی میں جیت ہار مت کرنا کیا بات ہے جیت ہار مت کرنا اگر محبت ہوتی ہے تو جدائی بھی ہوتی ہے اور جدائی کا وہ جو شعر آپ نے کہا ہے میں چاہوں گا وہ غزل ضرور سنا جی میں بالکل سنا دیتی ہوں تیرا وعدہ نہ پورا ہوا شام سے پھر سحر ہو گئی مجھ کو کھڑکی میں بیٹھے ہوئے آج بھی رات بھر ہو گئی اور جو شعر مجھے سنانا ہے جی دو دلوں کو جدا کر گئی ایک پردیس کی نوکری کیا بات ہے وہ بھی پاگل ادھر ہو گیا میں بھی پاگل ادھر ہو گئی اور ایک شعر میں اپنی مرضی کا پڑھوں گی اور نیہا کو نس کروں گی گھر کے لوگوں کو ہر بات کا تیری میری ملاقات کا پائلوں سے پتا چل گیا چوڑیوں سے خبر ہو گئی مجھ کو کھڑکی